हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल रितु एनसीईआरटी क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारे चैनल पर जूनियर सुपर टेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन करवाया जाना शुरू किया गया है, जिसमें से हम लोगों ने दैनिक जीवन में विज्ञान, देश एवं वस्त्र, ब्लड के टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। उसके बाद हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ रहे थे, एनिमल का क्लासिफिकेशन, मतलब जंतुओं का वर्गीकरण, जिसमें से हम लोगों ने फाइलम कौन कौन से होते हैं इनको देख लिया था, सिलोम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, और जो हमारा कॉर्डेटा फाइलम होता है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, किस तरीके से उसे होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सब के बारे में पढ़ लिया था और आज हम लोग उसी फाइलम से रिलेटेड है जैसे प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के इंपॉर्टेंट करेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ये प्रोटोजोआ के करेक्टर्स जो है वो पता होने चाहिए। जैसे क्या है कि फाइलम, फाइलम हमारा कौन सा है, प्रोटोजोआ है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो होता है प्रोटोजोआ फाइलम में जितने भी जीव आते हैं वो सब कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोशिकीय होते हैं। इनमें जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, सब क्या होती है, एक ही कोशिका में संपन्न होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं, मतलब एक कोशिकी बोलते हैं। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स तो आप लोगों को भी हमने बता दिए थे, उसमें क्या था, अमीबा था, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा, ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर्स में कौन आता है कि टर्म प्रोटोजोआ किसने दिया था, जो टर्म है प्रोटोजोआ वो किसने दिया था, गोल्डफस ने दिया था। कब दिया था, 1877 में दिया था। किसने दिया था, गोल्डफस ने दिया था 1877 में दिया था। आप लोग एक कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और ये सारे जो करेक्टर्स इनको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्या है, प्रोटोजोआ का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, वो किया था ल्यूवेन हॉक ने। किसके द्वारा, अपने माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने सबसे पहले प्रोटोजोआ का अध्ययन किया था, किसने, ल्यूवेन हॉक ने। इसके बाद में स्टडी या प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या बोलते हैं, प्रोटोजूलॉजी बोलते हैं। इसके बाद में प्रोटोजोआ किस नंबर का लार्जेस्ट फाइलम है, वो है थर्ड नंबर का। किस नंबर का है, थर्ड नंबर का। हमारे फर्स्ट नंबर का सबसे जो लार्जेस्ट फाइलम होगा वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है आर्थ्रोपोडा। कौन होता है, आर्थ्रोपोडा। और सेकेंड नंबर का जो लार्जेस्ट फाइलम होता है वो कौन होता है, मोलस्का। फिर थर्ड नंबर का जो लार्जेस्ट फाइलम होता है वो हमारा कौन सा होता है, प्रोटोजोआ। इसको हम लोग क्यों लार्जेस्ट फाइलम बोल रहे हैं, मतलब कि जो आर्थ्रोपोडा होते हैं इसमें बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, और उससे थोड़ा सा कम किसमें पाए जाते हैं, मोलस्का में, और मोलस्का से थोड़ा सा कम किसमें पाए जाते हैं, प्रोटोजोआ में। ठीक, इसके बाद में क्या है, कवरिंग ऑफ बॉडी। जो प्रोटोजोआ के जीव होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो किससे कवर रहती है, वो किससे कवर रहती है, पेलिकल से कवर रहती है। ठीक है, तो जो इनकी कवरिंग ऑफ बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। इसके बाद में जो पेलिकल होता है वो बना किसका होता है, जो ये पेलिकल है जिससे इनकी लोगों की बॉडी कवर है वो बना किसका है, वो बना है एन एसिटिल ग्लूकोजामिन का। ठीक है, किसका बना है, ये एन एसिटिल ग्लूकोजामिन का बना है। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं नाग, क्या बोलेंगे, एन एसिटिल ग्लूकोजामिन, NAG। ठीक, शॉर्ट में इसको हम लोग कैसे लर्न कर लेंगे, नाग से। इसके बाद बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा पाया जाता है, तो वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। या हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कराया कि किस फाइलम में कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, जिन बच्चों ने वो वीडियो ना देखा आप लोग वो वीडियो भी देखिए जाके। इसके बाद में क्या है, लोकोमोशन, कि जो हमारे प्रोटोजोआ फाइलम के जो जीव होते हैं उनमें लोकोमोशन कैसा होता है, कि जो अमीबा होता है अमीबा में लोकोमोशन होता है स्यूडोपोडिया के द्वारा। ठीक है, अमीबा में किसके द्वारा होता है, स्यूडोपोडिया के द्वारा। स्यूडोपोडिया क्या होता है, जैसे कि ये ऐसे ऐसे करके हमारा अमीबा होता है, अमीबा की कोई एक निश्चित शेप नहीं होती, तो जो ये हमारे ऐसे निकले रहते हैं ये इन्हीं को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, तो हमें जो लोकोमोशन होता है वो स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। इसके बाद में जो हमारा पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम में जो लोकोमोशन होता है वो सीलिया के द्वारा होता है। कैसे, हमारा पैरामीशियम हमारे जो चप्पल होती है उसी के शेप का ऐसे बना होता है, ऐसे करके ऐसे बना होता है। इसमें बहुत सारे यहाँ पर क्या लगे रहते हैं, सीलिया लगे रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, सीलिया। तो जो अमीबा में लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो किसके द्वारा ये करता है, सीलिया के द्वारा। इसके बाद में युगलीना, युगलीना में क्या होता है, लोकोमोशन के लिए फ्रेजिला होता है, ऐसे हमारा युगलीना बना होता है, ऐसे करके ऐसे युगलीना होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि बड़ा सा फ्रेजिला निकला रहता है। ठीक है,
तो हमारा जो युग्लीना होता है, युग्लीना कैसे बना होता है, ऐसे करके ऐसे पत्ती जैसी संरचना होती है, यहाँ पर ऐसे फ्रेजिला निकला रहता है जिसमें क्या होता है, इसके द्वारा इसमें लोकोमोशन होता है। इसके बाद में कौन आता है, मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस में जो लोकोमोशन होता है उसका जो लोकोमोशन उसको ग्रीगेराइन लोकोमोशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले तो सरल पड़ जाते हैं, ये नहीं पूछे जाते हैं ज्यादातर। इसको पूछा जाता है कि मोनोसिस्टिस में किस प्रकार का लोकोमोशन पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, ग्रीगेराइन टाइप का। ठीक है, ग्रीगेराइन प्रकार का मोनोसिस्टिस में लोकोमोशन पाया जाता है। इसके बाद में इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, जो जो हमारे प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं, ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक, एक ही कोशिका के बने होते हैं। तो जो इनमें रेस्पिरेशन होगा, इसमें जो श्वसन होगा, वो पूरी होल बॉडी सरफेस, मतलब पूरी बॉडी सरफेस से होगा, किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक है, पूरी बॉडी सरफेस से इनमें क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, वो भी किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। ठीक, फिर इसके बाद में यहाँ पर कौन आया, रिप्रोडक्शन। अब इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद में जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें माइक्रो न्यूक्लियस भाग लेता है, छोटा वाला न्यूक्लियस भाग लेता है, और जबकि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इसमें बड़ा न्यूक्लियस भाग लेता है, मतलब मैक्रो न्यूक्लियस। ये कहां पर होता है, आपने क्या होगा कि पैरामीशियम की स्ट्रक्चर देखी होगी, जिसमें क्या होता है कि छोटा सा न्यूक्लियस दिया होता है और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। तो छोटे वाले को हम लोग माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो बड़ा वाला होता है उसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, इसका काम होता है कि क्या करना, रिप्रोडक्शन करना, मतलब ये क्या करता है कि दो भाग में बढ़ जाता है, जिससे फिर क्या होता है कि धीरे धीरे इसका साइटोप्लाज्म दो भाग में बढ़ जाता है, और जिससे क्या होता है, एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम बन जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा माइक्रो न्यूक्लियस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारा माइक्रो न्यूक्लियस है वो हमारे किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों सेक्सुअल बोल रहे हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसमें डीएनए ही तो होता है, डीएनए मटेरियल ही तो होता है, तो यहाँ पर इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जा रहा है। इसके बाद में क्या है कि जो हमारा मैक्रो न्यूक्लियस होता है, कौन सा, मैक्रो मतलब बड़ा न्यूक्लियस, तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद रिप्रोडक्शन का अगर टाइप पूछा जाता है तो हम बोलेंगे कंजुगेशन और सिनगैमी। क्या बोलेंगे, कंजुगेशन टाइप का और सिनगैमी टाइप का। तो कंजुगेशन टाइप का किसमें होता है, पैरामीशियम में होता है, और सिनगैमी टाइप का किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सेम ऐसे रखा हुआ पूछा गया है कि पैरामीशियम में किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो किस टाइप का, कंजुगेशन टाइप का। ठीक है, तो इसमें आपने क्या, बाद में हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, किसकी बात कर लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है, सब में क्या होता है कि अलग अलग पाया जाता है। जैसे कि अमीबा में किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिशन टाइप का होता है, और पैरामीशियम में ट्रांसवर्स फिशन होता है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन बोलते हैं, और एफिलोटा में बडिंग बोलते हैं, और युग्लीना और ट्रिपैनोसोमा में लॉन्गिट्यूडिनल फिशन बोलते हैं। ये सारे के सारे क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको याद कैसे करेंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बा लिखते हैं, क्या हम बा को इंग्लिश में ऐसे नहीं लिख सकते हैं? तो ये क्या हो गया, बी से होगा बाइनरी फिशन, ऐसे क्या हो गया, अमीबा। अमीबा में किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, तो वो बाइनरी फिशन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके बाद टीना पाल को क्या हम शॉर्ट में टीपी नहीं लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसवर्स फिशन होता है वो किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। ट्रांसवर्स फिशन किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में। इसके बाद में बी यू ए बुआ जो लिखा है, इसको क्या होता है, बी यू डैश ए नहीं लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर जो बडिंग टाइप का फिशन होता है वो किस में पाया जाता है, एफी लोटा में पाया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, एमपी, तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल टाइप का फिशन जो होता है वो प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एल टी लॉन्गिट्यूडिनल फिशन किस में पाया जाता है, युग्लीना में और ट्रिपैनोसोमा में। किस में पाया जाता है, युग से बना युग्ली और ट्रिप से क्या बना, ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लर्न हो गए होंगे, किसमें किस प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरीके का, किन जीवों में होता है।
अब इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो जो हमारा प्रोटो न्यूट्रिशन कि जो हमारा प्रोटोजोआ फाइलम है इनके जीवों में किस तरीके का न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो इनमें क्या होता है कि कुछ इसके कुछ जीव कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं। कुछ जीव जो होते हैं हेटरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। और कुछ जीव जो होते हैं पैर पर जीवी के तरीके किसी जीव के बॉडी में रहकर क्या करते हैं कि भोजन प्राप्त करते हैं, वो कौन होते हैं, प्लाज्मोडियम। ठीक, इनके एग्जाम्पल कौन है, प्लाज्मोडियम हो गया और इसका युग्लिना हो गया। क्या करते हैं कि इनके ऑस्मोरेगुलेशन को देख लेते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन को हम लोग उत्सर्जन बोल सकते हैं। ऑस्मोरेगुलेशन की जो प्रक्रिया इसमें होती है उसको हम लोग क्या होते हैं, उत्सर्जन या एक्सक्रीशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो काम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का होता है, जो काम किडनी का होता है, सेम वही काम किसका होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स का होता है। इसमें ऑस्मोरेगुलेशन पाई जाती है। ऑस्मोरेगुलेशन को हम क्या है, उत्सर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि ये काम जैसे हमारी किडनी काम करती है वैसे ही बिल्कुल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स से संकुचनशील रिक्ति का काम करती है। तो हम कह सकते कि इसमें जो उत्सर्जन होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इनके जीवद्रव्य में क्या होता है, एक या अनेक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। होते तो ये एक सेलुलर है, होते तो ये यूनिसेलुलर है, मतलब एक कोशिकीय होते हैं, पर इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक या अनेक पाए जाते हैं। ये हम लोगों ने कहाँ पर देख लिया है, पैरामीशियम में। एक उसमें माइक्रो न्यूक्लियस हो रहा है, एक मैक्रो न्यूक्लियस हो रहा है। तो हम लोग तो सारे जो जीव हैं, जो इसके एग्जाम्पल हैं, सारे को मिक्स करके पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग कल पोरीफेरा फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।